कुत्ता भौंक रहा है, मेरे को बहुत डर लगता है ये सब चीज। चुप हो जाए भाई, मैं चोर वोर नहीं हूँ भाई, चुप हो जाए। नेक्स्ट टाइम ये रोड से मैंने गाइस मैं निकल पा रहा हूँ होटल से चेकआउट करके अभी। तो इन लोगों ने थोड़ा सा मेरे को फ्रेश होने के लिए दिया था, तो मेरा मैं अभी फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं बैठेंगे, नहीं तो मेरे को फ़ोन करके बुला लेगा कि सर आ जाओ, एक 35 का बात होता है। तो मेरा सामान आप लोग देख सकते हैं, आईना में दिखा रहा हूँ, तो पैक हो गया, पीछे मेरा बैग है। तो मैं निकल चलता हूँ, मेरा बस 5 बजे से छोड़ता है यहाँ से, तो अभी बज रहा है 3:30, तो 3:30 अभी होता है, अभी लंच करते करते 4 बज जाएगा, तो 1 घंटा मेरे को यहीं होटल में ही नीचे बैठना पड़ेगा। तो बैठ के 5 बजे जाएंगे स्टेशन के लिए, तो फिर से 8:20 को मेरा ट्रेन ट्रेन का टाइमिंग है। बहुत लेट है यार, दिमाग ख़राब होता है। तो घर पहुँचते होते 3:30 बजता है सुबह, तो वही जो 3:30 बजता है सुबह, ऐसे तो रात का नींद खराब हो गया 3:30 बजे। मतलब मेरे को अरुणाचल का टूर एकदम अच्छा नहीं लगता है, शायद नेक्स्ट टाइम बहुत सोच समझ के आऊँगा। इस बार तो आना पड़ा कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, जो कि अभी नहीं हुआ, फिर भी नेक्स्ट टाइम आने से पहले थोड़ा सोच समझ के आऊँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा टूर। चलो अभी खाना खाने जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बस के लिए निकलेंगे। आ गया हूँ मैं लंच करने के लिए। तो गाइस एक चीज़ मेरे को प्लीज़ एक चीज़ बताना, कि आप लोगों का भी ऐसा हुआ है कि 3 दिन 4 दिन आप लोग बिना सोए फिर मार्केट में काम किए हो? मेरा तो आज 3 दिन हो रहा है, कल जाके 4 दिन होगा, कल भी तो नींद नहीं होगा, आज रात को वैसे भी नींद नहीं आएगा मेरे को। तो कल भी शनिवार है, कल भी काम करना है मेरे को मार्केट में जाके, तो 4 दिन ही होगा। तो मेरा लॉन्गेस्ट ट्रिक तो था 5 दिन, तो ये 4 दिन हुआ है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कभी भी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के साथ भी, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा। लंच आ गया, ये मैं छोटा मछली चावल, यहाँ पे एक सॉरी ये आलू भुजिया, यहाँ पे सलाद, और अभी मैं खाता हूँ। होटल से निकल के आ चुका हूँ, अभी 4:30 बज रहा है, तो आधा घंटा है, तो बस स्टैंड तक जाता हूँ मैं। अभी बस किधर है? इधर ही तो रहता है बस, पता नहीं आज किधर है। इसका पीछे है, रास्ता बहुत ख़राब है, वो पीछे वाला बस हम लोग आए, बीच वाला मतलब, देखो इधर लिखा हुआ है ईटानगर टू रेलवे स्टेशन, यही बस जाएगी। बस तो पूरा हाउसफुल है, ये बस पूरा पूरी 5 बजे छोड़ेगी। तो बस में चढ़ चुका हूँ, अभी ये बस 5 बजे चलेगी, अभी 15 मिनट है 5 बजे के बजने के लिए, तो फिर उसके बाद स्टेशन। तो निकल पड़ा है अपना बस, ठीक 5 बजे छोड़ने वाला था, 5:30 बजे छोड़ा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाते जाते अभी माँ का मखाड़ का नाम लेके जा रहा हूँ। अभी 5 किलोमीटर और है होना स्टेशन। अल्लाह मेरे को पता था ये अरुणाचल का टूर मेरा ख़राब निकला, अभी टायर भी ब्लास्ट हो गया बस का। अरे यार देखो सारे बस से उतर रहे हैं यार अभी, हो गया आज किस्मत ही ख़राब है। चलो पैदल ही चलो, देखिए ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब है, ऐसे ही मेरा नींद नहीं आया, बोला ना अरुणाचल का किस्मत ही मेरा ख़राब था साला। छी अभी बस बस का टायर भी फट गया, हाँ यार फट गया, किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है। चलो रोकने के लिए वापस मैं यार अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर हाँ हाँ 3 किलोमीटर है क्या? चलो 3 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 8:20 पर हाँ 8:20 पर हाँ 400 उसका किस्मत खराब है यार, उसका भी है, हम लोग का जितना ही बैठ रहे थे सारा सब सबका किस्मत खराब है। पैदल चलेंगे यार, हाँ पैदल चलना पड़ेगा सेट। कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा यार हम लोगों को, पूरा ट्रिप ही बेकार निकला यार, अभी सारे पैदल जा रहे देखो। अल्लाह भगवान भी सजा तब देता है जब पूरा मुसीबत में रहता है और आदमी एकदम खराब हालत में रहता है, तभी देता है भगवान मुसीबत, कसम से यार। ऊपर से 3 दिन नहीं सोया हूँ, ऊपर से यह हालत इतना
पैदल चला रहा है मेरे को है। सारे पीछे पीछे रह गए बहुत आदमी, सारे पैदल आ रहे हैं, हम भी पैदल जी आ रहे हैं। चलते रहो यार, यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है स्टेशन। यार कितना बड़ा गड्ढा है, अच्छा वो जूते नहीं पहन के आया। अभी पढ़ते पढ़ते मैं बच गया यार, आराम से जाओ यार। अरे यार मेरे देखो यार कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड अभी गिर जाता है यार। देखो गड्ढा, यहाँ से मैंने छलांग लगा दी। यस ओ माय गॉड। चलो यार ऐसे ही मजा करते करते जाएंगे अभी। अरे यार चलो, हम लोगों को कर्फ्यू बना दिया, रिफ्यूजी बना दिया हम लोगों को। बहुत परेशान, रिफ्यूजी बना लिया सर हम लोगों को, भगा दिया हम लोगों को, बोले चलो निकल जाओ जल्दी से। रिकॉर्ड करो कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है। हाँ सही में यहाँ पे लाइट भी नहीं है यार, देखो कितना बड़ा गड्ढा है, देखो देखो कसम से यार ये सब जगह एकदम डेवलप ही नहीं है, घटिया है सर। साइड में आ जाओ भाई, देखो देखो यहाँ से यहाँ पे लाइट लैंडस्लाइड होता है। रुको फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ। ये इसे लैंडस्लाइड हुआ है पूरा यहाँ पे। अरे ट्रेवलर ट्रेवलर तो ले जा सकते थे हम लोगों को। लो यार और कितना दूर है भाई, आ गया तो ये यूपीआई वाला तीनाली आ गया, ये यूपीआई वाला तीनाली यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। स्टेशन लेफ्ट साइड में होगा, ये साइड में होगा, ये जाता है तुम्हारा इस तरफ नाहरलगुन, ये नाहरलगुन जाता है और लेफ्ट साइड जाएगा तुम्हारा स्टेशन। हाँ लेफ्ट साइड ही दिखा रहा है ना, ये बता रहा है। हाँ लेफ्ट ही बता रहा होगा। हाँ ये चलो। ओ देखो, अरे वाह, अरे वाह ये लोग, अरे यार कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा यार, कसम से यार मैं स्लिप भी हो जा रहा हूँ। लिफ्ट कोई नहीं देगा सर जी, बस ही खराब हो गया, पैदल जाना पड़ रहा है स्टेशन। कोई तो आ जाए यार, कोई तो लिफ्ट दे दे। रास्ते पे हम लोग को एक बस मिल गया, क्या मजा आया, बहुत मजा आया। ये सब्जी हम लोग का फौजी वाले जो हमेशा हम लोग इसके रेस्पेक्ट करते हैं, इस वर्दी की रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वर्दी के लिए हम लोग चैन से सो पाते हैं। क्या सर सही है, एकदम सही है। तो थैंक यू हम लोग को थोड़ा सा टाइम के लिए लिफ्ट देने के लिए, तो हम लोग वही बस में उठ के अभी जा रहे हैं। धन्यवाद ये भैया भी बोल रहे, धन्यवाद। आ गया अभी ईटानगर, एक ही तो है ये तो, ईटानगर ही है, ईटानगर नाहरलगुन तो दोनों एक ही है। एक कैसे अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, अलग स्टेशन स्टेशन एक है, स्टेशन तो एक है, अलग अलग है ना, अलग अलग है जगह, अलग अलग है। अभी आ गया, थैंक यू, थोड़ा सा लिफ्ट मिल गया वो भी बहुत है। सारे थैंक यू बोल रहे दादा, थैंक यू, आपका ये वीडियो मेरे ब्लॉग पे आएगा। ये हो गया अपना स्टेशन, चलो थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में जाके बैठ जाता है अभी। ये हम लोग का ट्रेन है जो जाएगी यही जाएगी। हमें घुसते आपको एक स्टॉल दिखेगा, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप खाना ले लो, क्योंकि आपको कहीं भी स्टेशन में खाना नहीं मिलेगा। तो गाइस 350 को पहुँचा दिया, मेरा डेस्टिनेशन है वही सेम कामका स्टेशन। तो यहाँ से मेन डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलता है, तो पैदल जाना पड़ता है यहाँ से, और इतना रात को मेरे को डर भी लगता है क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है, कुत्ता भी नहीं रहता रात को। तो देखते हैं कोई सवारी मिलता है कि नहीं, या पैदल ही जाएंगे अभी, और ये पूरा अंधेरा। तो लाइट है अभी, मतलब ब्रिज का उस पार जाने से मेरा घर मिल जाएगा, बस वॉकिंग डिस्टेंस है।
5 मिनट्स का। बीवी ने बार बार मना किया कि ये ब्रिज पार करके उधर से मत आना, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस लेके आना। लेकिन यार मेरे को भी मतलब अच्छा नहीं लगता इतना लॉन्ग डिस्टेंस पैदल चल के जाना, अभी 3:30 बज रहा है अभी। देखो भाई जी सुनसान सड़क, एक कुत्ता भी नहीं है यार, लेकिन ये साला सेल्समैन पैदल चल के जा रहा है अपने घर। तुम लोग बहुत खुश हो यार, जो लोग रात को सो रहे हो बहुत खुश हो कि तुमको चैन का नींद मिल रहा है, और मेरे को मैं ही पहुँचूंगा कि नहीं घर वही मेरे को पता नहीं। देखो कोई नहीं है, पीछे भी दिखा दिया तुमको, कोई नहीं है। अच्छा ब्रिज का उस पार होकर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह है, गाड़ी भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इस तरफ से आ गया मैं। थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी भी चल रहा है यहाँ पे, तो ही थोड़ा सा साहस दे रहा है मेरे को। एक बार रास्ते पे पहुँच जाऊँ बस हो गया, फिर रूम पे जाके अभी सूतेंगे। ये हो गया मेन रोड। एक्चुअली मैं अगर ब्रिज से अगर नीचे से जाता तो वहाँ पे मेरे को 5 मिनट का रास्ता पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बीवी ने बोला कि यहाँ से मत आना, चाहिए दूर होता है तो थोड़ा सा लेट करके आना, तो थोड़ा सा दूर होके आना, तो मेरे इसलिए मेन रोड से जा रहा हूँ। यहाँ से 10 मिनट्स का रास्ता है। तो मैं तो गाइस मिलते हैं एक नया ब्लॉग लेके, शायद नेक्स्ट महीना मैं टूर जाऊँगा, तो वहाँ पर मैं दिखाऊँगा मेरा लाइफ मेरा जर्नी। तो अभी तो इस महीने और टूर है नहीं मेरा, तो इन दिनों मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह देता रहूँगा, तो वो सब प्लीज़ देखिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। बाय। रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्त, किसी को देखने से भी थोड़ा सा साहस लगता है, बढ़ता है थोड़ा सा, ऐसा है ऐसा आदमी कोई भी नहीं है। ओह कितना अंधेरा है यार, शायद अगर वो वाला चीज़ देख लिया तो मैं हो गया मेरा फट जाएगा मेरा, वो सबका फट रहा है। एक कम से कम यार लाइट, स्ट्रीट लाइट भी एक नहीं देता यार, एक स्ट्रीट लाइट तो देना चाहिए रास्ते पे। पता नहीं कैसा जगह है यार हम लोग का यहाँ पे भी, तो देख सकते हो कितना सुनसान है। कुत्ता भौंक रहा है, मेरे को बहुत डर लगता है ये सब चीज़। चुप हो जा भाई, मैं चोर वोर नहीं हूँ भाई, चुप हो जा, नेक्स्ट टाइम ये रोड से मैं नहीं आऊँगा, डर लग गया मेरे को भी। साला कुत्ता लोग कम से कम 12-13 तो कुत्ता था, अगर मेरे को हमला कर देता तो हो ही गया, बास हो जाता। चलो यार भाई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं पैदल चल रहा हूँ बस, और 5-7 मिनट लगेगा पैदल चलते मेरे को। तो अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को अगर नहीं भी करते हो तो प्लीज़ वीडियो को देखिए प्लीज़, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसको जाके सपोर्ट मांगेगा, है कि नहीं बोलिए। तो मैं और ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी देख के खुश हो और हम भी खुश हैं, और आप भी हमारा लाइफ जान पाओ कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। तो सेल्समैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द मार्केट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नाइट, सो गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो, बाय बाय।